मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बता रहे हैं एक साइंटिफिक रीजन, यहाँ पर लिखे हुए हैं वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक रीजन वैज्ञानिक कारण, जो कि हम लोग पर डे या देखते हैं, पर डे देखते हैं। सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले हम लोग को सूर्य का आभासी उत्पन्न हो जाता है कि सूर्योदय होने वाला है, यानी 2 मिनट पहले ही चक्का दिखाई देने लगता है। व्हाट इज द रीजन? 2 मिनट पहले सूर्य का चक्का दिखाई देता है, तब आभासी तब वास्तविक सूर्योदय होता है। मान लिया जाए कि यह अर्थ है, मान लिया जाए कि यह अर्थ है। अर्थ तो सूर्य की परिक्रमा करती है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, और क्षितिज कहते हैं जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य का संगम स्थल होता है। तो एक ऐसा मान लिया जाए, जब हम सूर्य से ओझल हो जाते हैं, यानी पृथ्वी घूमते जब रहती है, सूर्य तो स्थिर ही रहता है, जब हम सूर्य से ओझल हो जाते हैं तो उस परिस्थिति को हम लोग कहते हैं क्षितिज, मतलब पृथ्वी और सूर्य के संगम स्थल को हम लोग क्षितिज कहते हैं। जब सूर्योदय होने के पहले, अब हम लोग के यहाँ सूर्योदय होने वाला है इस प्रेक्षक के यहाँ, तो सूर्य अभी काफ़ी दूर है प्रेक्षक से, सूर्य अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट करेगी तब सूर्य के सामने आएगी, तब ये पूरा सूर्य दिखाई देगा। तो ये सूर्य है जो काफ़ी हम लोगों से भी दूर है, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण और वायुमंडलीय अंतर होने के कारण प्रकाश में अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, या अपने मार्ग को चेंज कर डालती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें, चूंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है, अधिक होता है, अभी सूर्य पृथ्वी के सामने नहीं आया, सूर्य अभी पृथ्वी से ओझल है, लेकिन सूर्य के यहाँ से, चूंकि यह 7 रंगों का मिश्रण एग्जर्ट करता है, लेकिन सबसे उसमें मजबूत स्ट्रेंथ लॉन्ग वेवलेंथ लाल किरण का होता है, जिसके कारण ये किरणें इस प्रेक्षक के पास पहुँचती है, यानी हम लोगों के पास पहुँचती है, और हमारे यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर, अपने ही रिफ्रैक्शन होकर ये पीछे की तरफ मुड़ती है, रिफ्रैक्शन होकर पीछे की तरफ मुड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर वास्तविक सूर्य है। 2 मिनट के बाद हमारे यहाँ पूर्णतः सूर्योदय होगा, लेकिन सूर्य अभी क्षितिज से ओझल है, हम लोगों से ओझल है, लेकिन वहाँ से चलने वाली किरणें प्रेक्षक के नेत्र से पुनः पीछे की तरफ अपसरित होती है, और अपसरित होने के बाद एक वर्चुअल आभासी सूर्य का यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण हम लोगों को, प्रेक्षक को, सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले ही आभास हो जाता है कि सूर्योदय होने वाला है, क्योंकि ये चक्का पहले ही दिखाई देता है, ये सूर्य स्पेयर के रूप में पहले ही दिखाई देता है, वह वर्चुअल सूर्य है, और रियल सूर्य आपका यहाँ पर है, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है, घूमते घूमते जब उसके सामने आएगी तब तो हमारे यहाँ सूर्योदय होगा। तो ये अभी काफ़ी नीचे है, क्षितिज से काफ़ी नीचे है, लेकिन लाल रंग का जो किरण होता है उसका तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है, सारे कलर से इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण इसका रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है। रिफ्रैक्शन वायुमंडल, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम, चूँकि यहाँ से यहाँ तक हजारों माध्यम है, खरबों माध्यम है, खरबों मीडियम है, कहीं डेंजर है, कहीं रेयर है, तो जब यहाँ से किरणें चलती है तो इसको कहते हैं वायुमंडलीय परिवर्तन, और नेत्र से देखने के बाद ये किरणें पीछे की तरफ अवतरित होकर सूर्य का एक वर्चुअल इमेज यहाँ बनाता है, जिसके कारण प्रेक्षक को, हम लोग को यह फीलिंग होता है कि अब सूर्योदय होने वाला है। ये चक्का 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्य यहाँ पर 2 मिनट के बाद आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड हो या इंडिया सेकेंडरी बोर्ड हो, सब में ये साइंटिफिक रीजन है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का चक्का दिखाई देता है। तो आज के टॉपिक्स में हमारा ये है, और कल जो बताएंगे उसमें बताएंगे सूर्यास्त के 2 मिनट के बाद तक सूर्य का चक्का दिखाई देते रहता है।
तो सूरज का जो चक्का है 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो ड्यू टू द वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण, सूर्य एक आभासी के रूप में 2 मिनट पहले दिखाई देता है, जिससे हमको फीलिंग होता है सूर्योदय होने वाला है। सूर्य अपने वास्तविक स्थिति में 2 मिनट के बाद आता है। तो रियल स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और मैं जहाँ तक होगा ये पर डे कहता हूँ, आई प्रोमिस टू गिव यू, आई विल गिव पर डे बेसिक मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड संस्कृत टू यू। थैंक यू वेरी मच। घर से दिखाई फोन दे।